बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव सहित 7 अन्य के खिलाफ सांप के जहर मामले में नोएडा पुलिस ने सूरजपुर अदालत में 1200 पेज का आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोप पत्र में 24 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। नोएडा पुलिस नोएडा और गुरुग्राम समेत देश भर में दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है। पैच जयपुर लैब में सांप के जहर की पुष्टि कराने वाली रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है। यही नहीं, सांप के जहर मामले से जुड़ी वीडियो कॉल डिटेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया। आरोप पत्र में एल्विश यादव पर लगाई गई एनडीपीसी एक्ट की धाराओं के संबंध में साक्ष्य लगाए गए हैं। पिछले साल नवंबर में एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इस मामले में 5 सपेरे समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इस मामले में यूट्यूबर को बीते दिनों गिरफ्तार भी किया गया था। पिछले साल पीपल फॉर एनिमल्स पीएफए संगठन की शिकायत के आधार पर नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 स्थित एक बैंक्वेट हॉल पर छापा मारा था और 5 लोगों की गिरफ्तारी की थी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।